नमस्कार, बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। जाति प्रमाण पत्र मामले में एक साल से चल रहे विवाद को खत्म करते हुए कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े को क्लीन चिट दे दी है। तो एक ट्वीट में शिंदे खेमा परेशान है। औरंगाबाद पश्चिम से विधायक संजय शिरसाट ने बागी तेवर दिखाते हुए शिंदे का साथ दिया था, मगर कल रात से उनके तेवर बदले हुए हैं। वहीं उमेश कोल्ले हत्याकांड में शामिल 10वें आरोपी को भी आज गिरफ्तार कर लिया गया है। तो उधर सीएम शिंदे मुंबई के दादर में एक और शिवसेना भवन खोलने जा रहे हैं। पहले ये माना जा रहा था कि शिंदे बालासाहेब की शिवसेना भवन पर अपना दावा करेंगे। इसी बीच कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र भाजपा के नए प्रमुख का पद चंद्रशेखर बावनकुले को उनकी सेवाओं को देखते हुए दिया गया है। इसे वफादारी का फल भी बताया जा रहा है। प्रदेश भर की इन पांच बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जाति प्रमाण पत्र मामले में एक साल से चल रहे विवाद को खत्म करते हुए कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने एनसीबी के पूर्वाधिकारी समीर वानखड़े को क्लीन चिट दे दी है। समिति ने वानखड़े के जाति प्रमाण पत्र को भी बरकरार रखा है। 91 पन्नों के एक आदेश में पैनल ने दोनों पक्षों से सबमिशन को हटा दिया था और फिर कहा था कि वानखेड़े जन्म से मुस्लिम नहीं थे। समिति ने यह भी निष्कर्ष निकाला था कि समीर वानखेड़े और उनके पिता ज्ञानेश्वर वानखेड़े ने हिंदू धर्म का त्याग नहीं किया था और मुस्लिम धर्म को अपनाया था। आदेश में आगे कहा गया है कि समीर वानखेड़े और उनके पिता महार 37 अनुसूचित जाति से है, जिसे हिंदू धर्म में मान्यता प्राप्त है। वानखेड़े ने इस आदेश के तुरंत बाद ट्विटर पर लिखा, सत्यमेव जयते। समिति ने माना कि महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री और राकपा के नेता नवाब मलिक और मनोज संसारे, अशोक कांबले और संजय कांबले जैसे अन्य शिकायतकर्ता अपनी शिकायत और दावों को साबित करने में सक्षम नहीं हुए। उन्होंने समीर वानखेड़े के जाति प्रमाण पत्र के बारे में शिकायत की थी। यह मुद्दा पिछले साल तब उठा था जब वानखेड़े मुंबई ने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख थे। वानखेड़े ने आरोप लगाया कि मलिक ने उस समय एक कैबिनेट मंत्री के रूप में जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा केवल इसलिए उठाया था क्योंकि उनकी टीम ने मलिक के दामाद समीर खान को ड्रग मामले में गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लंबे इंतजार के बाद अपनी कैबिनेट का विस्तार तो जरूर कर लिया, लेकिन मंत्री पद नहीं पाने वाले विधायक अपनी नाराजगी भी प्रकट करने लगे। हाल के सत्ता संघर्ष में औरंगाबाद पश्चिम विधायक संजय शिरसाट ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बागी तेवर दिखाते हुए एकनाथ शिंदे का साथ दिया था। शिंदे खेमे में शुरू से ही शामिल होने के बावजूद शिरसाट को मंत्री पद नहीं मिला है। उन्होंने कल रात एक ट्वीट किया जिसने कयासों को जन्म दे दिया। अपने ट्वीट में शिरसाट ने उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के परिवार का मुखिया बताया है। इस ट्वीट की तूफानी चर्चा होते ही शिरसाट ने एक न्यूज चैनल फोन पर संपर्क साधा और इस पर सफाई भी दी। शिरसाट ने अपने ट्वीट के साथ विधानसभा में उद्धव ठाकरे का एक भाषण भी संलग्न किया था, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा है कि शिंदे समूह में हम सभी बहुत खुश हैं। इस बीच राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या संजय शिरसाट ने कैबिनेट की जगह न मिलने पर उद्धव ठाकरे के भाषण को ट्वीट कर शिंदे समूह को चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में उमेश कोल्ले हत्याकांड की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के हाथ बड़ी सफलता लगी है। जांच एजेंसी ने घटना में शामिल 10वें आरोपी को भी आज गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान शेख शकील के रूप में हुई है। शेख शकील पर कोल्ले हत्याकांड की साजिश रचने की अहम भूमिका निभाने का आरोप है। इस मामले में जांच एजेंसी पहले ही 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी। बता दें कि 21 जून को दो लोगों ने उमेश कोल्ले का गला काटकर उस वक्त हत्या कर दी थी जब वह अपनी मेडिकल शॉप से मोटरसाइकिल पर लौट रहे थे। मामले की जांच कर रही एनआईए ने पिछले महीने बड़ा दावा किया था। एजेंसी का कहना था कि यह वारदात कुछ लोगों के समूह की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। इसका मकसद देश में एक विशेष समुदाय के बीच दहशत फैलाना था, साथ ही यह धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने का प्रयास भी था। पिछले महीने एनआईए ने अदालत को बताया था कि यह दर्शाने के लिए आधार है कि आरोपी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे। एजेंसी ने कहा कि आरोपियों की कोल्ले से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उनका इरादा लोगों को आतंकित कराना था। एनआईए ने अदालत को बताया कि यह गहरी साजिश है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक और झटका देने जा रहे हैं। पहले शिवसेना के 2/3 विधायकों और सांसदों को अपने पाले में लाने के बाद शिंदे मुंबई के दादर में एक और शिवसेना भवन खोलने जा रहे हैं। हालांकि पहले यह माना जा रहा था कि शिंदे बालासाहेब की शिवसेना भवन पर अपना दावा करेंगे, जो पिछले 5 दशकों से शिवसैनिकों के न्याय भवन के रूप में स्थापित है।
लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स है कि एकनाथ शिंदे मुंबई के दादर में ही एक और शिवसेना भवन खोलने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही इस संबंध में वह कदम भी उठाएंगे। शिंदे चाहते हैं कि दादर में उनकी पार्टी एक विशाल कार्यालय है। जब से वे मुख्यमंत्री बने हैं, राज्य के लोगों ने उन्हें बेहद प्यार दिया है। उन्हें आशीर्वाद देने और समर्थन दिखाने के लिए कई लोग उनसे मिल रहे हैं। एकनाथ शिंदे से मुलाकात के लिए आम नागरिक मुंबई आ रहे हैं, साथ ही मुंबई आकर मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्याएं भी साझा कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे का मानना है कि ऐसे हजारों नागरिकों से मिलने के लिए मुंबई के मध्य भाग में एक विशाल कार्यालय की आवश्यकता है। शिंदे समूह के विधायक सदा सरवनकर ने जानकारी दी कि जल्द ही उस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। महाराष्ट्र भाजपा के नए प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का विश्वास पात्र माना जाता है। साथ ही उन्हें भाजपा के आक्रामक नेतृत्व के रूप में भी जाना जाता है। बावनकुले महाराष्ट्र भाजपा के वरिष्ठ नेता है। उन्हें नागपुर और विदर्भ में पार्टी के बड़े ओबीसी नेता के रूप में देखा जाता है। बावनकुले ने ओबीसी आरक्षण के दौरान भाजपा की स्थिति को आक्रामक तरीके से पेश किया था। पिछले 10 सालों में कोई भी ओबीसी नेता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर काबिज नहीं हो पाया। भाजपा के लिए ओबीसी समुदाय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बीजेपी ने ओबीसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष पद पर बैठाकर ओबीसी को बड़ा संदेश दिया है। फडणवीस के करीबी बावनकुले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दोनों के करीबी है। उन्हें दोनों का चहेता नेता माना जाता है। बावनकुले को देवेंद्र फडणवीस ने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया था, फिर भी वह पार्टी के प्रति वफादार रहे। उन्होंने पार्टी को मजबूत करना जारी रखा। उन्होंने हमेशा पार्टी के जनादेश को सर्वोच्च माना। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी उसे लेकर उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उन्हें इस वफादारी का इनाम मिला है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना संक्रमित पाई गई है, इसकी पुष्टि पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने की है। तो बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में मिली बड़ी कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक निवास पर पदक वीरों से मुलाकात की। वही आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज से देशव्यापी हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली स्थित अपने निवास पर सुबह सुबह अपनी पत्नी सोनल शाह के साथ तिरंगा फहराया, तो उधर खंडवा के तैराक युवाओं ने हर घर तिरंगा अभियान को अनोखे ढंग से मनाया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उनकी सराहना की है। इसी बीच भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने की अपील की है। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना संक्रमित पाई गई है, इसकी पुष्टि पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने की है। उन्होंने ट्वीट किया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना संक्रमित पाई गई है। वह सरकार द्वारा जारी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आइसोलेशन में रहेगी। बता दें 2 जून को भी सोनिया गांधी कोरोना संक्रमित हुई थी। उन्हें गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था, जहां उनकी हालत काफी बिगड़ गई थी। वही बीते बुधवार को प्रियंका गांधी भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गई थी। वह भी फिलहाल आइसोलेशन में है। इससे पहले भी प्रियंका गांधी कोरोना संक्रमित पाई गई थी। उन्हें 3 जून को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक दिन पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले वह कांग्रेस अध्यक्ष से मिले थे। इस दौरान उन्होंने सीताराम येचुरी से भी मुलाकात की थी। इसके ठीक एक दिन बाद सोनिया गांधी संक्रमित पाई गई है। जयराम रमेश ने हाल के दिनों में सोनिया गांधी से मिलने वालों से जांच कराने का अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि घबराने जैसी कोई बात नहीं है, वह चिकित्सीय देखरेख में है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा था। भारत ने 22 सुवर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य समेत कुल 61 पदक जीते। पदक तालिका में भारतीय टीम चौथे स्थान पर थी। भारत की इस कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक निवास पर पदक वीरों से मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से कहा कि जब आप बर्मिंघम में अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहे थे, तब यहाँ करोड़ों भारतीय पदक की आस लगाए आपको देख रहे थे। मुझे खुशी है कि आप सभी ने अपने कार्यक्रम में से समय निकाल कर परिवार के सदस्य के रूप में मेरे आवास पर मुझसे मिलने आए। मैं अन्य सभी भारतीयों की तरफ से आपसे बात करके गर्व महसूस कर रहा हूँ। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले कुछ हफ्तों में देश ने खेल के मैदान में 2 बड़ी उपलब्धियाँ प्राप्त की है। कॉमनवेल्थ गेम में ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ साथ देश में पहली बार शतरंज
ओलंपियाड का आयोजन किया गया। भारत ने चेस ओलंपियाड का न केवल सफल आयोजन किया बल्कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया। मैं शतरंज ओलंपियाड में भाग लेने वाले और पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को भी बधाई देता हूँ। दो दिन बाद देश आज़ादी के 75 वर्ष पूरा करने वाला है। यह एक गर्व की बात है कि देश आप सभी की मेहनत और एक प्रेरणादायक उपलब्धि के साथ आज़ादी के अमृतकाल में प्रवेश कर रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज से देशव्यापी हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया। देश भर में तिरंगा फहराया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली स्थित अपने निवास पर सुबह सुबह अपनी पत्नी सोनल शाह के साथ तिरंगा फहराया। इसके साथ ही अभियान की औपचारिक शुरुआत हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उनकी पत्नी मल्लिका नड्डा ने भी दिल्ली स्थित निवास पर तिरंगा फहराया। इस मौके पर नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने आह्वान पर देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा फहराया जा रहा है। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि वे इस अभियान को सफल बनाएं। वहीं ITBP के लद्दाख में 18,400 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अभियान के तहत गुवाहाटी में तिरंगा प्रभात फेरी में भाग लिया। इस ऐतिहासिक पर्व के मौके पर केंद्र सरकार ने अभियान के दौरान 13 अगस्त से 15 अगस्त तक देशवासियों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया है। इस अभियान के दौरान 20 करोड़ घरों पर तिरंगा फहरने का लक्ष्य रखा गया है। सांस्कृतिक मंत्रालय के आह्वान पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस बीच मोदी सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया है, तो वही खंडावा के तैराक युवाओं ने इस अभियान को अनोखे ढंग से मनाया। खंडावा के इस तैराक दल की लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सराहना भी की है। दरअसल खंडवा का यह तैराक दल रोज नदी में तैरकर शरीर को फिट रखने का गुर सिखाता है। तैराकी करने वाले इस समूह ने इस बार आज़ादी का जश्न मनाने के लिए नदी में तैराते हुए तिरंगा फहराया। इतना ही नहीं, तैराकी करते हुए इस दल ने बीच नदी में भारत माता के जयकारे भी लगाए। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो खंडावा स्थित नागचुन तालाब और अंबाना नदी का है। वीडियो में पानी के बीच तिरंगे झंडे को फहराया जा रहा है, साथ ही पानी के अंदर ही तिरंगे को सलामी भी दी जा रही है। ये लोग खंडावा के लहरों के राजा ग्रुप के सदस्य है। इनके इस प्रयास की सराहना खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि इस जज्बे को प्रणाम। तिरंगे के प्रति अतुलित सम्मान का यह साहसिक दृश्य भारतीयों के उत्साह और उमंग को दर्शाता है। राजा ग्रुप ने कहा कि हम खुश हैं कि हमारे इस छोटे से प्रयास की प्रशंसा खुद प्रधानमंत्री ने की है। हमारे देश में ऐसे लोगों की काफ़ी संख्या नज़र आती है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण बीमारी के दौरान अपने इलाज पर खर्च नहीं कर पाते। भारत सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की है, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को मुफ्त इलाज मिल सके। इस योजना के अंतर्गत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं, जिसमें 5 लाख रुपये का कवर मिलता है। इसलिए कार्ड धारक 5 लाख रुपये तक का अपना इलाज मुफ्त में करवा सकते हैं। अगर आप भी इस योजना से जुड़ना चाहते हैं और मुफ्त इलाज का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाना है। फिर यहाँ आपको मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को जमा करवाना है। केंद्र पर मौजूद अधिकारी दस्तावेजों का सत्यापन करेगा और जब ये दस्तावेज सही पाए जाएंगे तो आपके आवेदन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। आवेदन पूरा होते ही पंजीकरण की जानकारी आपको अधिकारी दे देगा। फिर सफलतापूर्वक आवेदन होने के 10-15 दिनों के बाद जनसेवा केंद्र से आप आयुष्मान भारत योजना का गोल्डन कार्ड ले सकते हैं, मगर इसके लिए आवश्यक पात्रता की शर्तें पूरी करनी होगी। आयुष्मान योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भी माना जाता है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों से इस योजना का लाभ लेने का आह्वान किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी पर हुए जानलेवा हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अब ये लड़ाई यूनिवर्सल हो चुकी है। तो इंग्लैंड में आधिकारिक तौर पर सूखे की घोषणा कर दी गई है। वहाँ 87 साल बाद हालात इतने बेकाबू हो गए हैं। वही जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन गैस संकट के कारण फिलहाल उसकी स्थिति अच्छी नहीं चल रही। राइन नदी में पानी की कमी ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी है। तो उधर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर पर छापेमारी में इस्तेमाल किए गए सर्च वारंट को फ्लोरिडा के जज ने रद्द कर दिया है। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बताया कि उसने 2020 में देश छोड़कर जा चुके दो चीन के नागरिकों द्वारा बेंगलुरु में स्थापित एक मुखौटा कंपनी की 370 करोड़ रुपए की जमा राशि कुर्क की है।
दुनिया भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों ने भारतीय मूल के लेखक सलमान रश्दी पर हुए जानलेवा हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि सलमान रश्दी की लड़ाई हमारी है, अब यह लड़ाई यूनिवर्सल हो चुकी है। उन्होंने कट्टरपंथियों पर निशाना साधते हुए कहा कि 33 वर्षों से सलमान रश्दी ने स्वतंत्रता और अश्लीलता के खिलाफ लड़ाई को मूर्त रूप दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि नफरत और बबरता की ताकतों के कायरतापूर्ण हमले का वो शिकार हो गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी हमला की निंदा की और ट्वीट किया कि सर सलमान रश्दी को चाकू मार दिया गया है, हमें उनके बचाव में आना होगा, मेरी संवेदनाएं उनके चाहने वालों के साथ है, हम उम्मीद करते हैं कि रश्दी ठीक हो जाए। व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भी इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि हम सलमान रश्दी के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे। बता दें कि भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक रश्दी को उनकी किताब द सैटेनिक वर्सेज के कारण ईरान से जान से मारने की धमकी मिली थी। सलमान रश्दी की ये किताब 1988 में रिलीज हुई थी। 30 साल पहले सलमान रश्दी के खिलाफ फतवा जारी किया गया था, जिसके बाद अब उन पर हमला हुआ है। इंग्लैंड में आधिकारिक तौर पर सूखे की घोषणा कर दी गई है। वहाँ 87 साल बाद हालात इतने बेकाबू हो गए हैं, फसलें सूख गई है। लंदन जैसे शहर में पानी के लिए हाहाकार मच रहा है। लोगों से पानी संभल कर खर्च करने को कहा गया है। पानी की एजेंसियों से तत्काल लीकेज बंद करने को कहा जा रहा है। किसान परेशान है, उन्हें सर्दियों के लिए बचकर रखे चारे का इस्तेमाल करने की नौबत आ गई है। देश पहले से ही ऊर्जा संकट की वजह से पैदा हुई महंगाई की मार झेल रहा है, उस पर भी भयानक गर्मी की वजह से पड़े सूखे ने बेचैनी बढ़ा दी है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पानी कंपनियों ने घरों में इसके इस्तेमाल पर पाबंदियां लगाने शुरू कर दिए। मौसम विभाग के मुताबिक 1935 के बाद इंग्लैंड में इतना शुष्क मौसम देखा जा रहा है। यह देश इस बार हीटवेव और गर्मी के मौसम में पानी की सप्लाई की दिक्कतें झेलने को मजबूर हुआ है। नेशनल डाउट ग्रुप के प्रमुख हार्वे ब्रेडशॉ ने कहा कि हम जो मौजूदा उच्च तापमान अनुभव कर रहे हैं, उनसे वन्य जीवों और हमारे जल पर्यावरण पर दबाव बढ़ा दिया है। जलवायु परिवर्तन की वजह से पैदा हुए मौसम संकट ने अब वहाँ के बुनियादी ढांचे को तो कमजोर किया ही है, बल्कि दैनिक जीवन को भी संकट में डाल दिया है। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन गैस संकट के कारण फिलहाल उसकी स्थिति अच्छी नहीं चल रही है। राइन नदी में पानी की कमी ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी है। कुछ इलाकों में पानी का स्तर बहुत कम हो गया है, इससे देश से सबसे अहम इनलैंड वाटरवे में जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। हाल ही में महीनों में बारिश कम होने से नदी में पानी का स्तर बहुत घट गया है, इस कारण कार्गो शिप कम सामान लेकर जा रही है, इससे ट्रांसपोर्ट कास्ट बढ़ गया है। साथ ही इकोनॉमिक और पावर सप्लाई रिस्क बढ़ गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी के फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी ने पिछले महीने चेतावनी दी थी कि फ्रैंकफर्ट के पश्चिम में स्थित कॉपगेज में पानी का बहाव औसत केवल का 45% रह गया है, इससे जहाजों की आवाजाही बार बार प्रभावित हो रही है। आने वाले दिनों में इसके और नीचे जाने की आशंका है। 2018 में भी ऐसी स्थिति आई थी जब जहाजों का आवागमन रुक गया था, इससे जर्मनी की इकोनॉमिक ग्रोथ को 0.2% का झटका लगा था। जानकारों का कहना है कि राइन नदी की समस्या देश की इंडस्ट्री के लिए गैस संकट की तुलना में मामूली समस्या है, लेकिन आने वाले दिनों में यह विकराल हो सकती है, महंगाई भी बढ़ सकती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर छापेमारी के इस्तेमाल किए गए सर्च वारंट को फ्लोरिडा के जज ने रद्द कर दिया है। ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित आवास पर अमेरिकी संघीय जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI ने परमाणु हथियारों से संबंधित दस्तावेजों की तलाशी के लिए छापेमारी की थी। चर्चा थी कि अगर यह आरोप सही साबित हुआ तो ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान परमाणु हथियारों से संबंधित टॉप सीक्रेट दस्तावेज जब्त किए गए थे। सरकारी अधिकारी इस बात को लेकर चिंता में है कि यह दस्तावेज ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित घर पर गलत हाथों में पड़ सकते हैं। दावा किया जा रहा था कि ट्रंप ने इस दस्तावेजों को नई सरकार को नहीं सौंपा था। नेशनल आर्काइव, जहां इन दस्तावेजों को रखा जाता है, महीनों से उनके अधिकारी इन दस्तावेजों के लिए ट्रंप से बात कर रहे हैं। वही डोनाल्ड ट्रंप ने FBI एजेंटों की इस छापेमारी को बदनाम करने की साजिश और राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। उन्होंने अमेरिकी मीडिया ने बताया कि FBI की तलाशी इस बात की जांच के सिलसिले में थी
क्या डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से निकलते वक्त गोपनीय दस्तावेज भी अपने साथ लेकर गए थे। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बताया कि उनसे 2020 में देश छोड़कर जा चुके चीन के नागरिकों द्वारा बेंगलुरु में स्थापित एक मुखौटा कंपनी की 370 करोड़ संपत्ति की जमा राशि कुर्क की है। इसमें बैंक में निवेश, भुगतान गेटवे, क्रिप्टो खाते शामिल है। संघीय एजेंसी ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु स्थित योल्लोटून टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के परिसरों पर 8 अगस्त से 3 दिन तक छापा मारने के बाद उसकी निधि लेन देन पर रोक लगा दी थी। दरअसल एजेंसी को चीन से प्राप्त निधि द्वारा समर्थित स्मार्टफोन आधारित ऋण देने वाले कुछ संदिग्ध ऐप के खिलाफ धन शोधन जांच के दौरान कंपनी की कथित अवैध गतिविधियों का पता चला। ईडी ने बताया कि ये ऐप जल्द ही बंद कर दी गई और उनके लाभ को परिवर्तित कर दिया गया। एजेंसी ने एक बयान में कहा था कि निधि के लेन देन संबंधी जांच के दौरान ईडी को पता चला कि 23 संस्थाओं ने क्रिप्टो एक्सचेंज फ्लिपवॉल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के पास मौजूद योल्लोटून टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के खाते में 370 करोड़ रुपए जमा किए। इस क्रिप्टो करेंसी को विभिन्न अज्ञात विदेशी खातों में डाला गया। मिलीभगत से ये मुखौटा कंपनियां शुरू की गई थी और फर्जी निदेशकों के नाम पर खाते खोले गए थे। तो वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।